विद्या की देवी सरस्वती माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, वंदे वंदे। आज यहाँ की कन्याशाला में प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। मेरे ख्याल से प्रवेश तो 1 तारीख से शुरू हो गया रहा होगा, 4 को कार्यक्रम रखे हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता, जिला के संयोजक सम्माननीय डॉक्टर एन के अग्रवाल जी, जिला उपाध्यक्ष रमेश अग्रवाल जी, मंडल अध्यक्ष अनिल अग्रवाल जी, मंडल महामंत्री एवं मेरे प्रतिनिधि अभिमन्यु जायसवाल जी, प्राचार्य शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय के श्री पूर्व प्राचार्य अभी रिटायर्ड हो गए हैं के सी साहू जी, प्राचार्य शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के श्री एन के पंडाल सर जी, विधायक प्रतिनिधि मोहित पटेल जी, भाजपा कार्यकर्ता विजय पटेल जी, पत्रकार संजय दयाल जी, पत्रकार गौरी शंकर मणिकपुरी जी, पत्रकार अविनाश नायक जी, और भी यहाँ के कुछ गणमान्य नागरिकगण, अरविंद मिश्रा जी और भी आएंगे, संजय नहीं आएंगे, यहाँ के गणमान्य नागरिकगण, स्कूल के सारे शिक्षक शिक्षिकाएं और विद्यार्थीगण, आप सबका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। हमारे जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा सबसे जरूरी है। शिक्षा के बाद ही सब कुछ आता है। आदमी शिक्षित है तभी अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख पाएगा, नहीं तो बीमार है और अशिक्षित है तो कहाँ जाऊँ, कहाँ नहीं चल पड़े हैं। शिक्षित है आदमी तो अपने परिवार का, गांव का, समाज का, देश के लिए कुछ न कुछ करने की सोचेगा। इसीलिए शासन ने भी और शिक्षा को सुगम बनाने के लिए और निःशुल्क क्लासेस लगाना, उनको गणवेश वितरण करना, मध्याह्न भोजन देना, सारी सुविधाएं तो दे रहे हैं ताकि हमारे देश में कोई भी अशिक्षित न रहे। और कुछ कुछ जगह पे है तो उसके लिए भी आप लोगों से भी निवेदन है कि गांव में जो भी स्कूल नहीं आते हैं उनको स्कूल तक लाने का काम आप लोग करें। और अभी तो जो भी छोटी मोटी तो नायक सर बता रहे थे जी, पंडा सर बताए असुविधा यहाँ पे है, वो तो पिछले बार में आया था शायद विधायक बनने के महीना या 15 दिन के अंदर ही आया था कुछ कार्यक्रम का, छोटा मोटा काम बताया था वो, पीछे तरफ शौचालय बनाने का, एक अतिरिक्त भवन का भाई बाजू का वो ले लो मैं बोला था उस समय, और जिसका मांग आप लोग नहीं किए थे वो एक बड़ी घोषणा किया था मैंने, क्योंकि यहाँ के शायद कई लोगों को मालूम नहीं होगा, टीचर्स लोगों को भी नहीं मालूम है, मैं पहली क्लास से 5वीं क्लास तक इसी स्कूल में पढ़ाऊँ। इसलिए यहाँ के एक चप्पा चप्पा के बारे में जानता हूँ। उसके बाद में 6वीं से 8वीं पदमपुर रोड में वहाँ दुबे जी और प्रधान पाठक थे, जहाँ पे अभी आरती लाज है वहाँ पे एक स्कूल हुआ करता था। और उसके बाद में 9वीं से 11वीं 1975 में पहली बार हाई स्कूल में 250 विद्यार्थियों के साथ में क्लासेस लगी थी, उसका पहला विद्यार्थी मैं ही हूँ। और एक ये बैठे हैं वहाँ के प्राचार्य खड़े होकर बता देते क्लास का वो क्लासमेट है। और उस समय मैं सोचता था बचपन में यदि भगवान ने मेरे को कुछ बनाया तो ये स्कूल कहीं अच्छा जहाँ पे खेलने कूदने की व्यवस्था रहे, नया कहीं बनवा के दूंगा, और हाई स्कूल उसका जीर्णोद्धार उसको भी नया बनवाएंगे करके उस दिन मैं घोषणा किया था। और दोनों का टेंडर भी हो चुका है, ये 2 दिन में वर्क ऑर्डर जारी करके और चालू हो जाएगा।
अगले सत्र में उससे पहले ही आप लोगों को हैंडओवर करके मिल जाएंगे, ये मेरा वादा है। बाकी अभी क्या मांगे थे, कोई खाली नहीं कर रहा कोई कमरा यहाँ पे, अरे खाली नहीं कर रहा तो उसको यहाँ पे हटा देंगे, ट्रांसफर करवा देंगे, कौन खाली नहीं कर रहा है उसको हटाना तो मेरे लिए सरल काम है ना। वो कान खोल के सुन ले, यहाँ पे जो भी है सुन रहा होगा या मुझे जाके सुना दो, उसको मैं यहाँ से तो बाहर भेज दूंगा, ये तो मेरी गारंटी। और एक मांग के तो बोर का, मेरी बड़ी बड़ी बोर गाड़ियाँ पूरे पूरे विधानसभा में हर पंचायत में मैंने बोर का ऑर्डर किया हुआ है, बाकी यहाँ शायद बड़ी गाड़ी नहीं घुसेगी, बाउंड्री वॉल को तोड़ देंगे और थोड़ा सा वहाँ पर करवाएंगे, तो कल गाड़ी आ जाएगी, कल करवा देंगे हम लोग। छोटे मोटे काम तो पहले मैं नीलांचल सेवा समिति करके एक संगठन चलाता था, और बस्ता विधानसभा को अपना परिवार मानते हुए अपने जेब से खर्चे करके काम करता था। अभी तो शासन का कहता रहा है एक मांगोगे तो 10 मिलेगा, मेरे को देने में क्या तकलीफ है, आप ही लोग कह लेते जाओ उसको, तो बोर भी हो जाएगा, वो स्कूल का जो दो कमरे में कब्जे कोई भी टिकट से छिका कब्जे किए हुए हैं उसको यहीं से हटवाने की गारंटी मेरी, जब वही नहीं रहने तो फिर कमरे कमरे को साथ में लेके कुछ उड़ जाएगा। और नया स्कूल का आप लोगों को मालूम नहीं होगा, बाकी उसका पूरा टेंडर प्रक्रिया भी हो चुका है, वर्क ऑर्डर आजकल में जारी हो जाएगा, उसके बाद में विधिवत भूमि पूजन के लिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी को बुलाएंगे और उनके हाथों से भूमि पूजन करवा के और काम को चालू कराएंगे, क्योंकि ये दो काम करते हैं कि मेरा इसमें बहुत बड़ा सपना साकार हो रहा है, एक कन्याशाला का भवन बनना और हाई स्कूल का भवन बनना, बॉयज स्कूल का भवन बनना, तो ये दोनों काम हो जाएगा। अब आप लोगों से कुछ निवेदन है, कुछ शिक्षकों से भी और विद्यार्थियों से भी, विद्यार्थी जब पढ़ने के लिए आ गए हैं तो अपना 100% दें, जो यहाँ का रिजल्ट 12वीं का ठीक है 90% आया, 10वीं का 85% आया, अपने ब्लॉक में टॉप है उससे भी और अच्छा है, ताकि स्कूल का भी नाम रोशन हो और आप लोग का भविष्य भी बने। वैसे ही शिक्षक शिक्षिकाओं से भी निवेदन है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, उनको अपना शिष्य अपना बेटा समझ के पढ़ाएं, ताकि वही बच्चे आगे जाके इस स्कूल का भी नाम रोशन करें और हमारे गांव का, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का भविष्य उज्ज्वल करने में और इनकी सहभागिता रहे। और मैं जो आज जो कुछ भी हूँ इसी स्कूल से तो मेरा नहीं हुआ है, पहली क्लास से यही पढ़ाऊँ है ना, तो इसलिए मेरे लायक जो भी काम रहेगा, आप लोगों का व्यक्तिगत भी कोई काम रहेगा, कोई टीचर लोगों से शिकायत भी रहेगी तो आप लोग निसंकोच आके मेरे को बता सकते हो कि भैया ये काम वहाँ थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, आप देख लीजिए करके, वो समस्या का भी समाधान होगा। और मेरे लायक कभी भी कुछ भी काम रहेगा मैं आप लोगों के लिए तैयार हूँ। आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।